मैं अलीला दत्त चौहान, ह्यूमन राइट डिफेंडर हिमाचल। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमारे हिमाचल में यूपी बिहार जैसी घटनाएं हो रही है। आज से पहले हमने कभी ऐसी घटनाएं नहीं देखी जहां ऐसे समाज सेवियों के साथ, पत्रकारों के साथ मारपीट अगर पुलिस करती हो तो मुझे लगता है कि ये पहली घटना हिमाचल में हो सकती है। आज हम एसपी महोदय से मिले, हमारे साथ हिमाचल प्रदेश कोली समाज के प्रधान अमर शलाठ जी, गबर सिंह वैदिक जी, लोकेंद्र सिंह वैदिक जी जो पत्रकार साथी है, सर्वदयाल जी हैं जो पीड़ित हैं, और भाई नीमा राम जी है, और दूसरे मदन लाल खुराना जो है। इन तीनों की जो पिटाई डीएसपी और जो टीम ने की है ये बहुत निंदनीय है। हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं इस वारदात, इसको हम वारदात कह रहे हैं। अगर ऐसे जो है क्राइम हमारे हिमाचल में नहीं होते थे पहले। हमने इस मामले को एसपी के ध्यान में पिछले कल लगाया था और कुछ नेताओं के ध्यान में भी लगाया था, मगर अभी तक जो हमें ऐसा लग रहा था कि एफआईआर तुरंत हो जानी चाहिए थी, या फिर इसमें जो संज्ञान जैसे सस्पेंड किया जाना चाहिए था जो उन अधिकारियों को, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। आज इनकी स्टेटमेंट होने जा रही है, उसके बाद आगामी क्या रूपरेखा होती है, क्या कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है, उस पर अभी हम वेट कर रहे हैं। हमने ह्यूमन राइट कमीशन को भी एक रिपोर्ट भेजी है, कल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में ये मामला लगेगा, उस पर फिर आगामी कार्रवाई होगी। मगर एक बात मैं कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश की सरकार को, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को, कि मुख्यमंत्री जी अगर आपके होते हुए, वैसे आप कहते हैं कि हम गरीबों के नेता हैं, हम गरीबों के सीएम, अच्छी बात है, हम भी कहते हैं, अगर आपके होते हुए हिमाचल में ये यूपी बिहार जैसे हाल पैदा हो रहे हैं, कानून अगर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, हमारे पत्रकार साथी अगर ऐसे प्रताड़ित हो रहे हैं, तो ये हिमाचल के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हम फिर से निवेदन कर रहे हैं आपको, मीडिया के माध्यम से आपको एक सूचना भेज रहे हैं, अगर ये पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी तुरंत प्रभाव से सस्पेंड नहीं किया जाते तो बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। हम ऐसा मानते हैं कि अगर तुरंत प्रभाव से उनको सस्पेंड नहीं किया जाता, फिर से कह रहा हूं, तो फिर हमको उतरना पड़ेगा सड़कों पर। मदन कुराना ने एक वीडियो बनाई थी 30 सेकंड की, और उसके बाद मुझे शाम को डीएसपी का फोन आता है और धमकियां देना शुरू करते हैं, और धमकियां देने के बाद जब वीडियो बोलते हैं कि तने वीडियो बनाई, कि सर मैंने नहीं बनाई, मदन कुराना ने बनाई, तो उसके बाद मुझे तुरंत फोन आता पुलिस थाना निर्मल से, वो कहते हैं मुझे तू अभी आ जा निर्मल, नहीं तो डीएसपी साहब आने वाले और तेरे को उठा के ले आएंगे। मैं कहा सर आइए ना, टिकरी कैंची में मेरा घर है, मैंने कौन सा गुनाह किया और कौन सा क्राइम किया मैंने, तो सर सुबह पुलिस लगा दी सीधे मेरे पीछे, ट्रैकिंग में मेरा नंबर लगा दिया, तो ट्रैकिंग के बाद जब नंबर लगाया तो मैं अरसू में मिला उनको, मैं कहा सर मैंने बोला हुआ है, मैं 12 बजे थाने में पहुंच जाऊंगा, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मैं कोई क्राइम नहीं किया। तो जब मैं थाने में पहुंचा, मैं तहसील में बैठा, मैं डीएसपी साहब को एक पत्राचार करना चाह रहा था, वहां से मेल करवाना था मैंने, वहां से 2 मिनट बैठके हुए, उतने में पूरे पुलिस की टीम, मैंने एक नीमा राम था मेरे साथ, उठा के लिया मार मार के पब्लिक प्लेस से, तो इतना बुरा हाल किया मैं कह नहीं। उसके बाद डीएसपी का रवैया था, तेरी तो मुंडी काट देंगे, तलवार से उड़ा देंगे, और जब नीचे डाला 10 पुलिस, सर इतना बुरा हाल किया 5-6-7 घंटे में, 12 बजे अंदर कर दिया था, 7 बजे आए हम सर वहां से, इतना कहना चाहूंगा सर। हमारे को है भाई कि चलो कार्रवाई करेंगे, अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होंगे, हम हाई कोर्ट भी जाने के लिए तैयार है, जहां मर्जी मेरे को जाना पड़ेगा, नहीं हुई अभी तक तो एफआईआर नहीं हुई। अब इस चीज में ये कहना चाहूंगा, इस जो ये घटना घटी है, मतलब औरों के साथ भी हो सकती है, आज तो एक पत्रकार के आम आदमी के साथ भी हो सकती है, ये मुख्यमंत्री से ये मांग कर जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। पता लगा लीला धर जी ने मुझे फोन किया कि भी आनी में ऐसे ऐसे प्रेस रिपोर्टर्स हैं और जो कि हमारी कम्युनिटी से कोली कास्ट से, उनके अगेंस्ट कुछ एट्रोसिटी, उनकी मारपीट पुलिस से हुई। मैंने इन्वेस्टिगेट किया, पता लगा कि 1 तारीख को पुलिस की गाड़ी वो वायर क्रेट वायर ले जा रही थी, उसका प्रेस रिपोर्टर ने वीडियो बनाया, और उसके बाद 2 तारीख को उनको बुला के मारपिटाई हुई। आज हम माननीय एसपी साहब को मिले, ड्यूली अपॉइंटमेंट लेके उनके साथ जो बात हुई, हम इसी केस के बारे में बात की,
काफी डिटेल में हमने चर्चा की। उन्होंने सब जितने भी ये अफेक्टेड पीपल है, तीन लोग जो हमारे समाज के हैं और प्रेस रिपोर्टरिंग का काम करते हैं, उसमें भी इनके भी एसपी के सामने ही बयान हुए। एसपी साहब ने एश्योरेंस दी कि भाई जल्दी से जल्दी ये मामला हम सॉल्व करेंगे, इंक्वायरी बिठा दी गई है और दे आर प्रिपेयरिंग फॉर कोर्ट आल्सो। ये तो ही बात मांझी, जो डिस्कशन की बात है, डिस्कशन में एब्यूट की बात आई कि जब मैंने कहा कि भाई इनको जब पुलिस स्टेशन ले गया, ये प्रेस का काम क्या होता है कि भाई कोई अनहोनी चीज दिखे, उनका काम है उसको रिपोर्ट करना, वैसे ही पुलिस की गाड़ी में क्रेट वायर जा रही है, उसके हिसाब से उसने उसकी कॉग्निजेंस ली और एक वीडियो बना दिया। वो वीडियो उन्होंने सर्कुलेट भी नहीं किया, सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट को ही भेजा, उसकी इनको खमियाजा भुगतना पड़ा। फिर एसपी साहब ने बातचीत हुई, फिर मैंने उनको ये बोला कि भाई एटलीस्ट पुलिस को उनको बोलना था कि भाई ये क्रेट वायर किस चीज की है। हाँ, हो सकती है कि पुलिस की कन्फिस्केटेड कोई प्रोडक्ट हो, उसको ले जा रहे हो, कुछ भी हो, समझा सकते थे बड़े आराम से, परंतु इनको जाति छूते शब्द भी यूज किए गए और इनको नीचे बिछा के मारा भी गया और इनको चांटे भी मारे गए और बुरी तरह इनकी पिटाई भी की गई, जिनके फोटोग्राफ सब ने एसपी साहब को दे दिए हैं और इनका मेडिकल भी हो गया है। तो अब ये देखना है कि पुलिस कितनी जल्दी काम करेगी। हाँ, एक क्वेश्चन मैं यहाँ बोलना चाहूँगा जरूरी, कि जब एसपी साहब ने मेरे को काउंटर क्वेश्चन किया कि भाई आप कैसे बोल रहे हैं, किस कानून के अंडर बोल रहे हैं कि पुलिस आंसरेबल है टू यू, क्योंकि मैंने कहा सर मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उस अधिकारी को जिन्होंने इनकी पिटाई की, तो वो ये पूछ लेते कि भाई ये जो वायर क्रिएट है ये इस वजह से जा रही थी, परंतु फिर भी वो इंसिस्ट कर रहे थे। मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन से एक इंडियन सिटीजन, मैं इंडियन सिटीजन, आई कैन आस्क यू, देयर इज नो नेचुरल जस्टिस सेज दिस थिंग, मैंने ये भी बोला उनको, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हमको तो ला की बात करनी। मैंने कहा ला तो मेरा एडवोकेट बताएगा। इसी के साथ ही अच्छा रहा एसपी साहब का, अच्छी तरह से उन्होंने ट्रीटमेंट की, अच्छा रिस्पेक्ट दिया सबको। हमें आशा पूरी और उम्मीद है कि वो जल्दी से जल्दी इस केस की ये मतलब कार्रवाई करेगी और जल्द सामने आएगा। हाँ, ये हमने जरूर कहा कि अगर अनुचित डिले होगा तो हमारे को नेशनल कमीशन ऑन एससी, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एससी एंड अदर अथॉरिटी जाने को मजबूर होना पड़ेगा। धन्यवाद। आज मेरे पास एक 10-15 लोग आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि वर्ल्ड है एंड पुलिस कर्मियों की तरफ से कोई अलेज कर रहे हैं कि पुलिस कर्मियों ने उनको मारा है, तो इस चीज़ का संज्ञान मुझे कल ही हुआ था। तो जैसे ही इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन मुझे आया तो हमने इसमें एक इंक्वायरी बैठाया है एंड इन्फॉर्मेशन के अनुसार इन्होंने अपना मेडिकल भी करवाया, मेडिकल का रिपोर्ट भी आया है, तो रिपोर्ट के अनुसार वी हैव सेंड द रिपोर्ट टू द कंसर्न्ड कोर्ट फॉर परमिशन बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एज ऑफ नाउ। तो आगे जो भी इंफॉर्मेशन आएगा इन द इंक्वायरी, दैट इज जो भी फैक्ट्स रिवील होंगे, उस फैक्ट्स के अनुसार हम फिर देखेंगे, जैसे लीगल प्रोसीडिंग्स बनता है वी विल टेक एक्शन एंड रूल ऑफ लॉ विल प्रिवेल एंड वी विल इंश्योर दैट एक्शन इज टेकन अगेंस्ट ऑल दोस इन्वॉल्व्ड। मैंने आपको बताया कि इसमें हमने इंक्वायरी किया है एंड वी हैव गिवन दी कंसर्न रिपोर्ट ऑफ द मेडिकल रिपोर्ट टू द ऑनरेबल, वी हैव सेंट इट टू द ऑनरेबल कोर्ट, परमिशन हैज टू बी रिसीव्ड, बेस्ड ऑन दैट वी विल प्रोसीड एज पर लॉ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।